भैया पेट्रोल जो है उसका जो बेसिक प्राइस होता है वो 35 रुपए के आसपास है, अब उसके ऊपर करीब 50% टैक्स है, तो पूरी स्टडी है मेरे पास में, कोई भी देख सकता है इंटरनेट पर, सब बच्चे पढ़े हुए हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? बहुत अच्छा लगेगा। अरे महंगाई की मार में हम डीजल पेट्रोल तो सस्ता कर नहीं सकते क्योंकि तो गवर्नमेंट के कब्जे में है, हमारे जो कब्जे में है उसमें हम लोगों को जो कर सकते हैं वो फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें क्या बुराई? देखा देखा देखा, धीरे धीरे सिंह निकलने शुरू हो गए। और आप बचा लिया मोदी जी को, बचा लिया मोदी जी को। Another one. मुझे अफसोस है कि देखो तेल के डीजल के भाव इतने महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन हम मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है तो सबसे ज़्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है, तो कोई ऐसी उनको दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था सोच तो रहे हूँ। जब 2008 में कच्चे तेल का दाम $147 प्रति बैरल तक पहुंच गया तब पेट्रोल 45 रुपए लीटर कैसे मिल रहा था, और आज जब $61 प्रति बैरल है तो पेट्रोल 100 रुपया तक कैसे बिक रहा है? ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है, यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। नवंबर महीने तक यूपी के मोदी नगर में गैस का एक सिलेंडर 592 रुपए का आता था, एक गैस वाले ने बताया। 2 दिसंबर को 642 रुपए का हो गया और 15 दिसंबर को 692 का। उसके बाद 3 फरवरी को 25 रुपए की वृद्धि के बाद 717 रुपए का हो गया और फिर 14 फरवरी को 50 रुपए की वृद्धि के बाद 767 रुपए का हो गया। अलग अलग राज्यों शहरों में अलग अलग दाम होते हैं। मजा आ रहा है ना? अरे बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई।